धन्यवाद आपण न्यूज 18 लोकमतशी बोललात आणि माहिती दिली त्याबद्दल. थेट जाऊया नवी दिल्ली मध्ये. प्रेस कॉन्फरन्स सुरू झालेली आहे आरोग्य मंत्रालयाची. यात्रा को सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. कमेटी संबंधित राज्य सरकारों के साथ विदेश से आने और जाने वाले व्यक्तियों की यात्रा की व्यवस्था के लिए समन्वय करेगी. इस क्रम में नौसेना का जहाज INS जलश्वा मालदीव्स पहुंच गया है और वहां से लगभग 700 यात्रियों के साथ, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, आज रवाना होगा. यह अनुमान है कि 10 मई की रात तक यह कोची पहुंचेगा. कल अबू धाबी से कोची और दुबई से कोझिकोड के लिए फ्लाइट्स लगभग 354 यात्रियों को लेकर पहुंच चुकी हैं. आज सिंगापुर से दिल्ली की फ्लाइट भी 250 से अधिक यात्रियों के साथ पहुंच गई है. 5 और फ्लाइट्स आज पहुंचेंगी. जो OCI कार्ड होल्डर्स और विदेशी भारत में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, उनके वीजा सुविधा और कॉन्सुलर सेवाओं के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. चूंकि लॉकडाउन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति नहीं है, इस अवधि के लिए OCI कार्ड धारक की मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा सुविधा को स्थगित किया गया है. परंतु OCI कार्ड धारक जो पहले से ही भारत में हैं, उनका OCI कार्ड किसी भी अवधि तक भारत में रहने के लिए वैध होगा. प्रतिबंध के दौरान अगर OCI कार्ड धारक बहुत आवश्यक कारणों से भारत की यात्रा करना चाहें तो वे भारतीय मिशन से वीजा के लिए संपर्क कर सकते हैं. जिन विदेशी नागरिकों का वीजा एक्सपायर हो रहा है, उनके ऑनलाइन आवेदन पर उनके वीजा को ग्रैटिस आधार पर, यानी बिना शुल्क लिए, एक्सटेंड किया जाएगा. ये सुविधा रेगुलर या ई वीजा दोनों के लिए उपलब्ध है. इस एक्सटेंशन पर ओवरस्टे की पेनल्टी नहीं लगेगी. भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर प्रतिबंध हटाने के 30 दिनों की अवधि तक यह वैलिड होगा. मैं फिर से सबसे अनुरोध करूंगी कि यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थलों पर हम राष्ट्रीय निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल्स का पूर्ण रूप से अनुपालन करें, जिससे कि COVID-19 संक्रमण से हम अपना और औरों का बचाव कर सके. धन्यवाद. धन्यवाद. स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधि. देश में अब तक 16,540 पीपल COVID-19 से क्योर हो चुके हैं और टोटल 37,916 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं. पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि कंफर्म केसेस की संख्या में 3,390 केसेस का इंक्रीज नोट किया है, पर साथ ही 1,273 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं. इस तरीके से हम देखते हैं कि क्योर पेशेंट की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है. हमारी रिकवरी परसेंटेज देखें तो वह अभी 29.36% हो चुकी है, यानी कि अब तक हॉस्पिटलाइज हुए पेशेंट में से लगभग हर 3 में से 1 पेशेंट रिकवर क्योर हो चुका है और यह रिकवरी रेट, जैसे कि हम बताते रहे हैं, लगातार बढ़ रहा है. कल तक का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि जो हमारे पेशेंट एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं, उनमें से 3.2% ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, 4.7% ICU सपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज पा रहे हैं और साथ में 1.1% पर्सन जो हैं वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं. हमारे कंट्री में अगर हम देखें तो पाते हैं कि 216 जिले ऐसे हैं जहां पर कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. 42 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 28 दिन से कोई केस नहीं आया है. 29 ऐसे जिले हैं जहां पर पिछले 21 दिन से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है. 36 ऐसे जिले हैं जहां पर कि पिछले 14 दिन से कोई केस नहीं आया है और 46 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 7 दिनों से कोई केस नहीं आया है. हमारा एफर्ट है कि हम फील्ड पर कंटेनमेंट और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इन जिले की संख्याओं को बढ़ाएं. भारतीय रेलवे ने 5,231 कोचों को कोविड केयर सेंटर्स के रूप में कन्वर्ट किया है और उनको 215 आइडेंटिफाइड रेलवे स्टेशन पर रखा जाएगा. इन कोचेज का यूज़ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा 7 अप्रैल को जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार वेरी माइल्ड
और माइल्ड केसेस के ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा। यह इंश्योर किया जाएगा कि क्रॉस इंफेक्शन से बचने के लिए सस्पेक्टेड और कंफर्म केसेस के लिए अलग अलग कोच डेजिग्नेट किए जाएं। जहां पर भी केसेस कोविड केयर सेंटर कोच में एडमिट होते हैं, वहां प्रत्येक पेशेंट को या तो एक इंडिविजुअल केबिन असाइन किया जाए या जरूरत अनुसार दो कंफर्म पेशेंट एक केबिन में रखे जा सकते हैं। 215 स्टेशन में से 85 स्टेशन पर इवन हेल्थ केयर स्टाफ भी रेलवे द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, और एडिशनली जो 130 रेलवे स्टेशन हैं जहां पर ये कोविड केयर कोचेज होंगी, वहां स्टेट जब अगर उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार स्टेट के द्वारा स्टाफ और इसेंशियल मेडिसिन प्रोवाइड की जाएंगी। रेलवेज ने 2500 डॉक्टर्स और 35,000 पैरामेडिक्स को भी कोविड 19 मैनेजमेंट के लिए डिप्लॉय किया है। इसके साथ ही ICMR ने प्रोजेक्ट प्लेसिड के तहत प्लेसिड यानी फेज टू ओपन लेबल रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल को उनको नेशनल एथिक्स कमेटी से मंजूरी मिल गई है, जिसके तहत ICMR कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा की सेफ्टी और एफिकेसी को असेस करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स 21 हॉस्पिटल में करेगा, जिसमें से कि 5 अस्पताल महाराष्ट्र से हैं, 4 गुजरात से हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से 2-2 अस्पताल हैं, साथ ही पंजाब, कर्नाटका, तेलंगाना, चंडीगढ़ से 1 अस्पताल है। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री और माननीय आयुष मंत्री उन्होंने मिलकर आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का लॉन्च किया, जिसको कि आयुष मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ IT के द्वारा डेवलप किया था। साथ ही 2 इंटरडिसिप्लिनरी क्लिनिकल रिसर्च स्टडीज जो एक जॉइंट इनिशिएटिव के रूप में आयुष मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजीज ICMR के साथ मिलकर उसको भी लॉन्च किया गया। इन स्टडीज का मुख्य उद्देश्य है कि आयुर्वेदा को प्रोफाइलैक्सिस के लिए रूप में कैसे इस्तेमाल किया जाए और उसको स्टैंडर्ड केयर फॉर कोविड 19 से संबंधित एडिशनल सपोर्ट के रूप में कैसे यूज किया जा सकता है। इसी के तहत दूसरी स्टडी के द्वारा पॉपुलेशन बेस्ड इंटरवेंशन ऑन द इम्पैक्ट ऑफ आयुष बेस्ड प्रोफाइलैक्टिक इंटरवेंशन, जो कि आयुर्वेद का इस्तेमाल कोविड 19 के प्रिवेंशन में हाई रिस्क पॉपुलेशन को स्टडी करेगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और तेलंगाना के राज्य स्वास्थ्य मंत्रियों से भी उनके प्रिपेयरनेस और कंटेनमेंट एफर्ट्स की समीक्षा की। इथे एक छोटासा ब्रेक घेऊया, लगेच भेटूया, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।